हेलो दोस्तों, मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है आरआरबी ग्रुप टी सीबीटी एग्जाम का जो है आज पांचवा वीडियो होगा। हमने इससे पहले चार वीडियो बता दिए हैं जिसमें हमने कितने प्रश्न बता दिए हैं, तक 57 प्रश्न बता दिए हैं। यह जो सीरीज चल रहा है यह द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, आपने वॉल्यूम 1 देखा होगा जिसमें 3200 प्लस प्रश्न है और ये वॉल्यूम 2 है जिसमें 2700 प्लस प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसका जो है पूरा वीडियो जो है पूरा जो किताब का जो क्वेश्चन होगा ये पूरा सीरीज का जो आपको लाभ मिल सके और बेल आइकन को ही दबा लीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 58 से और आगे की ओर बताएंगे और फिर इसको बना करके फिर क्वेश्चन लिखेंगे और आगे भी बताएंगे। कहता है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मान लेते हैं हम टावर है, समझ गए, ये टावर है, इसका शीर्ष बिंदु ये हो गया। यहां से एक बिंदु ए मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, टावर है। ए से उन्नयन कोण क्या डिग्री है, 30 डिग्री है। यहां पर जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स पर जाने पर हम इधर आएंगे, ठीक ना, कितने मीटर इधर आएंगे, 20 मीटर। तो क्या मिलेगा हमको, बिंदु एक्स मिलेगा। वहां पर जो उन्नयन कोण है बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहां पर जो उन्नयन कोण है ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि हमको इस पॉइंट से यहां तक की पूरे बिंदु बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम मान लेते चलिए बी और ये मान लेते हैं सी। अब ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, हमने इससे पहले जो है ये वाला क्वेश्चन कराया था एक, उसमें हमने बताया था कि आपको दो पॉइंट याद रखना है। क्या बात याद रखना है, ये हम फिर एक बार बता देते हैं कि यदि ये 45 है तो ये 45 होगा ही, क्योंकि ये 90 होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री पूर्णना चाहिए। तो अगर ये 45 है इसका वैल्यू एक और रूट दो, इस अनुपात में इसकी भुजाएं होगी। लेकिन हमने बताया था कि यदि एक वो 30 है डिग्री तो एक वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाला एक, 60 के सामने दो, सॉरी रूट तीन, और विकर्ण कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये अनुपात भी हम बताए थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी अनुपात से बनने वाला प्रश्न है। यहाँ पर ये जो है ये त्रिभुज में हम लोग आते हैं, ये 60 है, इसका मतलब ये 30 होगा ना। तो आप समझ लीजिए यदि ये एक होगा, ये क्या होगा, एक होगा, या फिर हम इस दूरी को कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं वाई होगा, तो ये रूट थ्री वाई होगा, क्योंकि 30 के सामने वाला से 60 के सामने वाला रूट तीन गुना होता है। तो 30 के सामने वाई लिए तो ये रूट थ्री वाई हो गया। अब बात समझिएगा, अब ये हो गया, इसका मतलब यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो गया, 20 प्लस वाई हो गया। तो अब बड़ा त्रिभुज में आइए, बड़ा त्रिभुज में क्या होगा, 30 हो गया ना, 30 है, तो इसके सामने जो रूट थ्री वाई है इसका तीन गुना, रूट तीन गुना कौन होगा, ये 60 होगा ना, इसके सामने वाला होगा। तो इसका रूट तीन गुना, मतलब इसमें हम रूट तीन से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, मतलब 20 प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 20 प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। अब आइए यहां पर देखते हैं, रूट थ्री में रूट थ्री से गुना करेंगे तो थ्री वाई हो जाएगा बराबर 20 प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको वाई इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा ना, तो घट का हो जाएगा 2y बराबर 20, तो y बराबर हो जाएगा कितना, 10। इसका मतलब ये हो गया 10, और हमसे पूछा जा रहा था ए से टावर के बीच की दूरी पूरा, तो ये 20 और ये 10 दोनों मिलकर क्या हो गया, 20 और 10 30 मीटर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, एक से दो प्रश्न आप अभ्यास कीजिएगा आसानी से बनने लगेगा, ठीक ना। अगर इस तरह से आप अभ्यास करते हैं तो आप जो है बिना इतना बना ही बना सकते, दिमाग से आराम से भी सोच करके और मन मन ही बना सकते थे, ठीक ना। तो इसको देख लीजिएगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को, इसको मिटा देते हैं, नोट जरूर कर लीजिएगा। 59 में कहता है कि त्रिभुज की तीन शीर्ष जो है, बड़े त्रिभुज का एक तीन शीर्ष है बिंदुओं पर, बड़े त्रिभुज में तीन छोटे त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि छोटे त्रिभुज का प्रत्येक भाग बड़े त्रिभुज के समरूपी भाग का एक तिहाई लंबा है। तीनों छोटे त्रिभुज का एक साथ लिया गया क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज के तुलना में कितना है,
ध्यान दीजिएगा, अगर हम समझते हैं कि ये एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, अतः इसके समरूप में तीन हिस्से हैं। अगर हम मान लेते हैं चलिए ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है, तो एक एक करके बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, तो ये एक 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 होगा, एक 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 होगा, ये एक 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 होगा, ये सभी क्या हो जाएंगे एक, तभी तो इसका तीन हिस्सा हो गया ना, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो एक तिहाई भाग हो गया, पूरा तीन हो गया, इसका एक तिहाई, एक तिहाई, एक तिहाई मतलब एक एक, ठीक ना, तीन का एक तिहाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस तरह से ये अब कहता है कि छोटा वाला जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस तीनों के क्षेत्रफल का अनुपात बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या होगा। तो तीनों छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात, तीनों छोटे त्रिभुज, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या निकालना है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, ये तीन गु है तो तीन गुने एक के क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और चूंकि यह कैसा त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है ना, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, रूट थ्री बाई फोर गुने भुजा स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर अनुपात। ये बड़ा त्रिभुज भी तो समरूप त्रिभुज है, तो इसको भी क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, सॉरी ये समबाहु त्रिभुज है, तो रूट थ्री बाई फोर गुने भुजा स्क्वायर, अब तो इसका भुजा तीन तीन है ना, तो तीन का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये क्या हो जाएगा एक का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा तीन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट तीन बटा चार से रूट तीन बटा चार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये एक का स्क्वायर एक और ये तीन हो गया, अनुपात ये तीन तीन नौ हो गया, ये तीन तीन नौ एक अनुपात क्या हो गया तीन हो गया। तो ये जो है आप समझ गए होंगे, एक अनुपात तीन ऑप्शन नंबर डी, 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको बराबर जब भागों में बांटा जाएगा तो उसका क्षेत्रफल का जो है एक तिहाई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, लेकिन हम बनाकर बता दिए तो इसके लिए और ही बेहतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 150 छात्रों की एक कक्षा में हर कोई कम से कम एक गेम जरूर खेलता है, ठीक ना, वह कौन सा गेम है, कबड्डी या खो खो है। 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कबड्डी और खो खो दोनों खेलता है 18 को, और कबड्डी अकेले कै को खेलता है, 78 को। तो ध्यान दीजिएगा, कबड्डी जो है अकेले खेलता है 78 को, और दोनों गेम खेलता है कै को, 18 को। इसका मतलब कबड्डी जो खेलता है उसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 को खेलता है। अब पूरा कितना है, पूरा है 150, इसका मतलब जो 90 को जो है वह क्या खेलता है, खो खो खेलता है। 150 में से 60 घटा लीजिए तो 90 को खो खो खेलता है। अब यहाँ कह रहा है कि कितने प्रतिशत खो खो खेलते हैं, तो प्रतिशत निकालना है तो 90 अब बटा में कुल छात्र में ना प्रतिशत निकालना है, तो बटा में कुल छात्र और गुना में 100 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 से 20 हो जाएगा, और ये 3 3 9 बराबर कितना हो जाएगा, 20 3 क्या हो जाएगा, 60% जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कहते हैं सोमा की वार्षिक आय जो है ये 15 लाख रुपए है, हर महीने वह 30,000 MI देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत MI में जाता है। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कितना प्रतिशत जाता है, तो वार्षिक आय क्या है ये है, और हर महीने वह इतना कैमे देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत जो है EMI में इसका जाता है। तो ये देख लीजिए, ये क्या है वार्षिक है, ठीक ना, ये क्या है आपका वार्षिक है, तो वार्षिक है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 15 लाख है, अब इसको मासिक करने के लिए 12 से भाग दे देंगे, इसका जो है कितना है 30,000 MI में देते हैं, तो मासिक वेतन का कितना प्रतिशत में जाता है, तो इसका जो है निकाल लीजिए। अब इसको पहले 12 से जब हम भाग कर दिए हैं, इसका 30,000 जो है 30,000
30,000 इस एक महीने का कितना परसेंट है, यही ना निकालना होगा। तो 30,000 और बटा में क्या हो जाएगा, एक महीने का, और गुने में क्या करना होगा, 100 करना होगा। अगर आप ये 12 को चाहते हैं तो 12 को कहां ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं। अब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 जीरो, ये जीरो भी कट जाएगा आपका, ये जीरो भी कट जाएगा। आगे काटिए 3 से 3 5 15 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, अब 5 6 30 तो 6 4 24% जो है इसका क्या होता है, महीने में खर्च होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप समझ रहे होंगे। ये वार्षिक आया था लेकिन हमको मासिक पूछा जा रहा था, इसलिए हमने पहले उसको मासिक में बदल दिया। आगे देखते हैं, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे और सुई के मिनट के द्वारा बने कोनों में छोटा वाला कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं क्या होता है इसका, घंटा में 30 से गुना करते हैं, प्लस माइनस 11/2 गुने मिनट होता है। तो क्या है, क्या घंटा है, 2:41 है ना, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 30, और प्लस माइनस 11/2, और गुने मिनट कितना है, 41 मिनट है। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको हल कीजिएगा, ठीक ना, हल करके, और चूंकि छोटा वाला कोण पूछा जा रहा है तो क्या कीजिएगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हम जो है छोड़ देते हैं इतना ही पर, ये आपका HW है, इसको बना करके और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 63 को। आप कहता है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में जो है कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव में और पुरानी पर नई व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों पर रखरखाव में कुल कितना वार्षिक व्यय होता है। देखिए वार्षिक दिया हुआ है, मासिक में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए, ये 3 लाख है तो 3 लाख आप लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 3 लाख का कितना हो जाएगा, 5%, और क्या कहा जा रहा है, इसका 2% ज्यादा है, पुरानी वाला पर 2% ज्यादा है नई वाला से, तो नया पर 5%, पुरानका पर 7%, तो दोनों मिलकर 7 और 5 12% जो है इसका क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो 12% निकाल दीजिए, इसे कट गया, 36,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। तो ये भी जो है आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। यहां पर इसको हल कीजिए, इसका मतलब होता है इसके पहले, सबसे पहले इसी का क्रिया करेंगे तो 7 में से 5 घटेगा। ध्यान दीजिएगा, 7 में से 5 घटेगा। यहां पर लग रहा है, देखिए एक अंक छूटा हुआ लग रहा है, यहां पर 20 - 5 भागा गुना दोनों चिन्ह है। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो 20, ये क्वेश्चन नंबर 64 है, क्या है, 10 है प्लस 26 - 15 गुने 20 - 5 है भागा 2 है, यहाँ पर 2 × 7 - 5 ये ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 जब हो जाएगा और इसमें गुना हो जाएगा 2, तो 2 क्या करेंगे, पहले तो हम भाग देंगे ना, तब ना गुना करेंगे, तो ये 2 हो गया, अब 5 में 2 से तब तक भाग दे देंगे तो 5/2। यहां पर आप समझ लीजिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 26 - 15 × 20 - 5, अब आपको समझिएगा, भागा 2 × 7 - 5 है, इसकी क्रिया तो हम पहले करेंगे, ठीक ना, लेकिन जैसे इसकी क्रिया हो जाएगा, हम इतना ही पहले हल करके बताते हैं, 20 - 5 / 2 × ये 2 आ जाएगा घटाने पर, लेकिन अब तो हमको पहले भाग करना होगा ना, तो 20 - 5 / 2 चल जाएगा गुने 2, इसे ही कट जाएगा, तो क्या बचा, 20 - 5, तो 20 में से 5 कहते कितना हो गया, 15, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा को हल करने पर 15 आ गया, तब -15 × 15 तो 15 के स्क्वायर 225 होता है, तो -200 क्या हो गया, 25 हो गया, और -225 में से 26 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस
225 है में से जो है 26 आप घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 199 आना चाहिए, सही है, 9 6 15 199 आ जाएगा, वो भी क्या होगा माइनस में और प्लस में 10 है, तो प्लस 10 तक घटेगा जी, तो यहाँ पर घटेगा प्लस 10 है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 9 और ये क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 189 जो है आपका माइनस में, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ से हल करते आइएगा, वैसे भी बोर्ड मार्क्स जो है आप लोग को आता होगा, ऐसे आप जो जितना भाग ज्यादा जोड़ घटा गुना भाग कीजिएगा तेजी में वह प्रश्न इतना ही आसान होते चला जाएगा। आगे वाले प्रश्न को भी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 + 1/7, इस प्रश्न को भी हम यहाँ पर उतार देते हैं, या फिर यहाँ देख लीजिए कि इसको पहले हल कर लेते हैं, मध्य ब्रैकेट में पूरा है और ये छोटी ब्रैकेट में, इसको पूरा हल करके, इसको पूरा हल करके और आप भाग दे दीजिए, 22 में से 6 गया तो क्या हो गया ये 16 हो गया, बात को समझिएगा, 22 में से 6 जाएगा तो 16 हो जाएगा, इसको अब इधर हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -15 - 5 जुट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा तो 25 में से जो है -20 घटेगा तो 5 बचेगा, तो 5 से गुना कर देंगे तो 14 बचे क्या हो जाएगा 70, तो -70 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 5 + 1/7 गुने अंदर में क्या है -70, अब भागा में क्या चला जाएगा भागा ए 16 हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, 5 + 1/7 गुने इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पहले इसको भाग दे देंगे तो -70 / में क्या हो जाएगा 16, ये 10 से कट जाएगा, इसको करिएगा 5, इसको करिएगा 8, तो ये हो गया 5, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 / 8 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 में से 5 गया तो 35 / 8, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे हम आपको प्रश्न बताते हैं। आइए दोस्तों आगे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का अनुकोण 30 डिग्री था। कोई प्लेटफॉर्म है, मान लिया जाए कि ये हम प्लेटफॉर्म ले लिए, इसकी ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, इसके शीर्ष से एक टावर है, ये मान लीजिए क्या है टावर है, तो कहता है टावर का अनुकोण 30 डिग्री है, इसके शीर्ष से टावर का अनुकोण क्या डिग्री है 30 डिग्री है, ये हो गया आपका 30 डिग्री। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूरी पर है, मतलब ये दूरी जो है 40√3 मीटर है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा 40√3 मीटर हो जाएगा। तो कहता है टावर कितना ऊंचा है, टावर की ऊंचाई हमको निकालना है। अब वही बात, इससे पहले वाले प्रश्न, पहले प्रश्न जो हमने बताया था ये 30 है तो ये क्या होगा 60 होगा, मतलब कि अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा, मतलब इसका ये √3 गुना होता है ना, तो देख लीजिए क्या का √3 गुना है 40 का √3 गुना है, इसका मतलब 40 हो जाएगा, बात को समझिएगा। हमने क्या बताया था, इस तरह से है, ये अगर आपका 30 है, ये अगर आपका 60 है, ये 1 होगा तो ये √3 होगा, कै गुना √3 गुना, या फिर √3 है तो 1 होगा तो ये 40√3 है ना, इसका मतलब ये 40 होगा, तभी तो √3 गुना होगा। अब ये जब यहाँ से यहाँ 40 हो गया और ये भी तो टावर ही है ना, टावर का ही भाग ही है, तो ये कितना होगा, जितना ये होगा तो 8 होगा, तो कुल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगा या लंबाई हो क्या हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को, कहता है कि रोशन की वर्तमान वर्तन लिखा गया है, उसको देख लीजिए, रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु की 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, 12 वर्ष पहले उषा की और रोशन की आयु की 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक थी, रोशन की वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, रोशन की वर्तमान आयु जो उषा के इतना गुना है, तो यदि हम मान ले 67 में कि उषा की उम्र 100 वर्ष है, ठीक ना, तो रोशन की उम्र क्या हो जाएगा, तो 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, मतलब कि 2.5x - 4 होगा ना, क्या गुना 2.5 गुना से कितना कम है 4 वर्ष कम है। अब कहता है 12 वर्ष पहले, चलिए 12 वर्ष चलते हैं पहले, तो 12 वर्ष पहले जो है उषा का उम्र क्या हो जाएगा, तो x में से 12 घट जाएगा ना जी,
अगर मान लीजिए अभी किसी का उम्र 24 साल है तो 12 साल पहले क्या होगा, तो 24 माइनस 12 बराबर 12 होगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा। इसमें से आप 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2.5 x माइनस माइनस 12 कीजिएगा तो माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि 12 वर्ष पहले उषा की आयु का रोशन की उषा की आयु, ठीक ना, उषा की आयु, तो उषा की आयु क्या, आयु क्या है, x माइनस 12 है। तो यह आयु जो है रोशन की आयु से, तो रोशन की आयु क्या है 2.5 x माइनस 16 के एक चौथाई से, एक चौथाई मतलब क्या, एक बटा चार से गुना कर देंगे तो बटा में चार चला जाएगा, एक चौथाई से एक वर्ष अधिक थी, कितना वर्ष अधिक है, एक वर्ष अधिक है, तो एक लिख दिए तो रोशन की वर्तमान आयु तो बताना है, बहुत ही आसान है, बराबर का चिन्ह दीजिए, हल कर दीजिए, ये चार है एलसीएम ले लेंगे तो ये चार यहाँ पर हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा और फिर ये चार इधर आ जाएगा, तो 4x-48 बराबर हो जाएगा 2.5 एक्स माइनस 16 और प्लस में 4, समझे या नहीं, इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा आपको ये आ जाएगा, फिर इधर 4 को ले आइएगा। अब 4x है इधर से आकर के घटेगा तो 1.5x बचेगा, 4x में से 2.5 घटेगा इतना बचेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा माइनस 12 और 48 प्लस में चल जाएगा, 48 कौन चीज में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 48 में से जो है 12 घटेगा माइनस तो क्या बचेगा 36, तो बराबर हो गया 36, तो x बराबर क्या हो गया 36 बटा में 1.5, दशमलव हटाइए तो ऊपर चला जाएगा 10, 5 3 15, 5 9 10, 3 से 12, 12 2 24, x की वैल्यू क्या हो गया 24, इसका मतलब उषा की आयु हो गया 24 वर्ष वर्तमान में, और जबकि रोशन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हम इसमें डाल देंगे 24 रहिया कितना हो जाएगा, तो 24 2 48 और 12 कितना हो जाएगा, 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, और 60 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा, और ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 56 वर्ष, यहाँ फिर गलती हो गया क्या, 24 दुगना करेंगे, 24 दुगना क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, 48 से को फिर जो है 12 जोड़ेंगे, 48 में से 12 जोड़ेंगे तो 60 क्या हो जाएगा, और 60 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है ऑप्शन 56 वर्ष नहीं है, एक सेकेंड देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना है 67 54 56 देख लिया, यहाँ पर ये जो मिस्टेक है ये ऑप्शन 56 ही है, ठीक ना, जो 60 लिखा गया ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 56 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को, ये जो है ये आप जानते हैं बोर्ड पास है, इसको हल करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, एक से दो बार ऐसे प्रश्न को अभ्यास कीजिएगा अपने आप को बनाने आ जाएगा। तो अगले प्रश्न जो है बोर्ड पास का उसमें देखते हैं क्या है, 23 माइनस, ये 68 नंबर क्वेश्चन है, 6 × 2 प्लस 21/7 × 3 माइनस 4 × 2 प्लस 12। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले किस क्रिया करते हैं, भाग का, तब करते हैं गुना का, ये भाग है ना, कर दीजिए 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और गुने 3, 3 क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो गया 9, ये भी तो गुना है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ये भी गुना है तो कितना हो जाएगा 12। अब जो प्लस में उसको एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, 23 क्या है प्लस में है, फिर ये देखिए 9 क्या है प्लस में है, तो 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, और ये 12 भी प्लस में है तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, फिर माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, ये देखिए माइनस 12 है और ये माइनस 8 है तो क्या हो जाएगा माइनस 20, बराबर घटकर क्या बचेगा 24, आंसर क्या हो जाएगा आपका 68 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 यदि a प्लस 1 बटा में a, a प्लस 1 बटा में a बराबर √3 है तो a क्यूब प्लस 1 बटा में q का वैल्यू क्या होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका जो a क्यूब प्लस 1 बटा में a क्यूब बराबर हो जाएगा √3 का q माइनस क्या हो जाएगा 3, और ये जो है पूरा वैल्यू हो जाएगा, जितना इसका वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा, तो 3 के क्यूब √3 का क्यूब कीजिएगा, मतलब कै गो √3, 3 गो √3,
माइनस तीन रूट तीन, दो को रूट तीन होगा तीन हो जाएगा, रूट तीन हो जाएगा माइनस तीन रूट तीन, कटकर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप इसको बेसिक बनाना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोनों तरफ लिखिएगा घन करने पर और उसके बाद इसको हल कीजिएगा, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अभ्यास करके देखिएगा बेसिक का। आगे कहता है चार संख्याएं ए बी सी डी ऐसी संख्या है उनका समग्र औसत जो है 23 है, जब औसत 23 है तो चारों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, तो 23 में चार से गुना कर देंगे 23 चौका क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, होगा ना, ये चार का है। तो आगे कहता है कि ए और बी का औसत 19.5 है, इसका मतलब कि ए और बी का योग कितना हो जाएगा, तो 19 × 38 = 39 हो जाएगा। तो अब कहता है कि सी और डी का औसत क्या होगा, इसको घटाएंगे तो सी और डी का हमको योग ज्ञात हो जाएगा। घटा लीजिए 12 में से 9 गया तो ये हो गया 3 और ये 8 में से 3 गया तो 5, 53 औसत ज्ञात करने के लिए जाएगा जोड़ है तो ऐसे भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 26.5 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको समझ में जरूर आ गया होगा। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जो है इसको देखने के लिए उत्साहित कीजिए ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ऐसे प्रश्न फिर जो ग्रुप डी आने वाला है जो एग्जाम है या एनटीपीसी का भी एग्जाम हो, रेलवे से संबंधित जो भी एग्जाम होगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका अभ्यास करना आपके लिए बहुत ही क्या है जरूरी है। इसलिए जो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज से जो है जुड़े रहे, और हम जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है अलग से भी क्लास करा रहे हैं जिसमें आपको बेसिक और ट्रिक भी बताया जाता है, तो भी आपको जो है जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इतना ही, धन्यवाद।